बाबर आजम समेत इन खिलाड़ियों की हुई पाकिस्तान की टेस्ट टीम से छुट्टी, बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान। टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम को आखिरकार पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। बाबर समेत कई और सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। नई सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए टीम का चयन किया है। इस टीम में बाबर आजम को नहीं रखा है। अपने करियर में पहली बार बाबर आजम फॉर्म की वजह से ड्रॉप हुए हैं। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, विकेटकीपर सरफराज खान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर किया गया है। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी पिछले कुछ समय में अच्छा नहीं रहा है। वैसे आपको बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन बेहतर खिलाड़ी लगता है, कमेंट करके बताएं।